इतनी बड़ी सजा सिर्फ एक झूठ बोलने की, हद है। तो नाजरीन, आज मैं खड़ा हूँ कश्मीर की खूबसूरत और हसीन वादियों में। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत ब्यूटीफुल सीनरीज हैं। आइए तो आपको दिखाते हैं। मैं सिर्फ इस बात से परेशान हूँ कि अभी सूरज ग़ुरूब हुआ नहीं है और इतनी सर्दी हो गई है, पता नहीं रात कैसे गुजरने वाली है। ये सारी कश्मीर में, इस कश्मीर के इस खूबसूरत हिस्से में, ये सारी जमीन। अरे ओए पीछे आ जाए, ये हमारी जमीन है। नहीं तो फिर मेरे ख्याल से ये वाला हिस्सा जो है ये हमारा है। तो नाजरीन, आप परेशान होंगे कि आज आशी को क्या हो गया है, संकी हो गया है, पगला गया है, कुछ मसला है। देखिए, इन बातों का कहने का मकसद ये है कि इंसान जो करता है उसको बिलाखिर वो मुंह की खाने पड़ती है। फिर वो अच्छा काम करता है तो अच्छा भुगतता है, अगर बुरा काम करता है तो बुरा ही भुगतता है। तो नाजरीन, ना मैं कश्मीर में हूँ, ना ये ज़मीनें मेरी हैं, और जितनी भी कहानियाँ मैंने आपको बताई ये सब झूठ है। कल हम दोस्तों में बैठे हुए थे, दोस्तों की महफिल में एक जिक्र निकला, वो जिस तरह नहीं एक दूसरे को देख के एक से बढ़ के एक ढींगे मारे जाते हैं, मैंने भी दोस्तों के साथ बैठकर कुछ ढींगे मारी थी। तो फिर ये हुआ कि सिर्फ एक झूठ बोलने की वजह से आज सारा दिन जो मेरे सामने आ रहा है वो झूठ बोले जा रहा है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आज सुबह को ड्राइवर लेट आया, जब उससे पूछा गया कि भाई लेट क्यों आया, तो कहने लगा कि आंख नहीं खुली, लोकल हुआ। ऑफिस गया, क्लर्क से पूछा कि भाई सैलरियां क्लियर हो गई, तो क्लर्क ने कहा सर अकाउंटेंट एक हफ्ते से बीमार पड़ा हुआ है तो सैलरियां कहां से आएंगी। बीमार कैसे, उसको तो कल मैंने सिनेमा में देखा। एक बच्चा हुआ करता था, वो बकरियां चराने के लिए पहाड़ पर ऊपर जाया करता था, और जैसे पहाड़ पे पहुंचता था तो पहुंचने के बाद वहां पर चीखें मारा करता था, ओ शेर आ गया, बचाओ बचाओ शेर आ गया। गांव वाले सब पत्थर डंडे लकड़े लेकर उस शेर को मारने के लिए चल पड़ते थे, लेकिन जब वो पहाड़ पे पहुंचते थे तो वो बच्चा एक कोने में बैठकर हंसा करता था, हा, 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 देखो मैंने सबको बेवकूफ बनाया। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब असल में शेर आया और उसने चीखें मारी, बचाओ 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 शेर आया, शेर मेरी बकरियां खा जाएगा, शेर मुझे खा जाएगा। लेकिन कोई गांव वाला उसकी हेल्प करने के लिए नहीं है। तो मैं उन तमाम झूठे लोगों से गुजारिश करता हूं, खुदारा झूठ बोलना बंद कर दें इससे पहले कि शेर आ जाए। भाई ये दुनिया जो है ना, एक झूठ पर बनी हुई है, कंप्लीटली झूठ। झूठे और मकार लोग आपको जगह जगह पे मिलेंगे। अपना बचाव खुद कीजिए। पौधों को अच्छी तरह पानी दे यार। मासी आई, काम वाली मासी, मेरी सगी मासी की बात नहीं कर रहा हूं यार, बुलाओ उसको। उस हिस्से को जो खाली करने के लिए कहा था, कचरा वहां से क्यों नहीं हटाया अभी तक। हाँ, एक मिनट नाजरीन, अगर आप लोगों ने यहाँ तक हमारा वीडियो देख ही लिया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ ही आशी डेली व्लॉग्स में से आशी को सिया। चल भाई, ड्रामा ख़त्म हुआ, चाय लगा चाय।
वैसे आज का व्लॉग कुछ था नहीं बनाने के लिए, तो ये था एक झूठा व्लॉग।